नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल दीवा एक शक्ति में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भगवान शिव को माँ काली के पैरों के नीचे क्यों आना पड़ा। शुरुआत करते हैं महाकाली दुर्गा का। 10 रूपों में से एक रूप है, जो रूप अत्यंत विकराल और भयानक है। वो एक मात्र ऐसी शक्ति है जिनसे काल भी भयभीत होता है। उनके एक हाथ में खप्पर है, लहू टपकता है और गले में खोपड़ियों की माला है। महाकाली दुर्गा देवी का डरावना रूप है, जिसकी उत्पत्ति राक्षसों के नाश करने के लिए हुई थी। देवताओं की रक्षा के लिए माँ काली ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया। उनका क्रोध अत्यंत भयभीत करने वाला है। एक बार उनके क्रोध के कारण स्वयं महादेव शिव को उनके चरणों में गिरना पड़ा था। तो आइए जानते हैं मिलकर कि कैसे हुआ था, या ऐसा क्या हुआ था कि स्वयं महाकाली के पति को ही उनके चरणों में आना पड़ा। देवताओं की प्रार्थना। एक बार रक्त बीज नामक दैत्य ने कठोर तप किया, जिससे उसे वरदान मिला कि यदि उसके रक्त की एक बूंद भी पृथ्वी पर गिरी तो उससे अनेकों उसके समान ही दैत्य जन्म लेंगे। अपनी इस शक्ति से उसने निर्बल और निर्दोषों लोगों का वध करना शुरू कर दिया। इस प्रकार तीनों लोकों में अपना आतंक फैल गया। रक्त बीज का नाश करने के लिए देवताओं ने उसे युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध के दौरान रक्त बीज के रक्त की एक एक बूंद गिरने से अनेक दैत्यों का जन्म हो जाता था। तब सभी दैत्य माँ काली के समक्ष पहुंचे। महाकाली ने दैत्यों का वध करना आरंभ किया, परंतु रक्त बीज के रक्त की बूंदों से दैत्य जन्म लेते जा रहे थे। तब माँ काली देवी ने अपनी जीवा का विस्तार किया और राक्षसों का रक्त पृथ्वी पर नहीं बल्कि उसको अपनी जीवा पर गिराने लगी, और इस प्रकार वो दैत्यों का रक्त पीते पीते उनका नाश करती गई और अंत रक्त बीज का नाश हुआ। परंतु महाकाली के क्रोध ने इतना विकराल रूप ले लिया था कि उनका क्रोध शांत ही नहीं हो रहा था। माँ काली के पैरों के नीचे शिव उनको शांत करना चाहते थे, और शिव ही थे जो उनको शांत कर सकते थे। परंतु सब उनके समीप जाने से डर रहे थे। तब सभी देवता काली को शांत करने की इच्छा लिए भगवान शिव जी के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना की। शिव जी महाकाली को शांत करने के सभी प्रयासों में विफल हो गए। तब उन्हें माँ काली के मार्ग में लेटना पड़ा। तब उनके चरण महादेव पर पड़े, तब उन्होंने एक झटका लगा और उसी क्षण उनका क्रोध शांत हो गया। महाकाली के इतने विकराल रूप को शांत करने में केवल उनके स्वामी ही सफल हो पाए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की आप कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आप माँ काली के या भगवान शिव के भक्त हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए बोल बम बोल बम। दोस्तों, मैं आपके समक्ष ऐसी ही पौराणिक और धार्मिक कहानी प्रस्तुत करती रहूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल दीवा एक शक्ति को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और ये बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आप तक सबसे पहले देखने को पहुँचे। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल दीवा।